हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योत्सना। मेरे चैनल ज्योत्सना किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ बिना अंडे का ज़ेबरा केक। इसे मैंने कढ़ाई में बनाया है, इसे मैंने बिना किसी मोल्ड के तैयार किया है। जो कागज़ के मोल्ड होते हैं ना, मैंने उसी में तैयार करके बनाया है और सच में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बना है। उम्मीद करूँगी वीडियो पसंद आएगी। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ली है 1 कप पिसी हुई चीनी। जो नॉर्मल चीनी है उसी को घर में पीस लेना है। यहाँ मैंने लिया है 1/2 कप दही। दही फ्रेश ही होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। इसके अलावा मैंने यहाँ पे 1/2 कप ऑयल लिया है। आपको स्मेललेस ऑयल लेना है, किसी भी तरह की स्मेल नहीं होनी चाहिए उसमें। अब इन तीनों ही चीज़ों को हमें अच्छे से मिलाना है और इसका एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। जितने अच्छे से ये सारी चीज़ें मिलेंगी, केक हमारा उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो लगातार 2 मिनट के लिए मैंने इसे अच्छे से मिलाया है। ये देखिए पेस्ट तैयार हो गया है। अब यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप मैदा और इसके अलावा मैंने यहाँ पर लिया है 1 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अब इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से छान लेना है। इन्हें छानना बहुत ज़रूरी है ताकि जो भी इंग्रेडिएंट्स हमने यहाँ पे डाले हैं उन सब की इम्प्योरिटीज इसमें से निकल जाए। अब इन्हें अच्छे से हम मिलाएंगे और धीरे धीरे करके ही हमें मिलाना है, बहुत तेज़ तेज़ नहीं तो सारे इसके एयर बबल्स निकल जाएंगे और केक सॉफ्ट भी नहीं बनेगा। चलिए इन सारे इंग्रीडियंट्स को मैंने अच्छे से मिला लिया है। अब स्टेज पे मैंने यहाँ पे डाला है 1 टीस्पून वेनिला एसेंस। 1/2 कप मैंने यहाँ पे हल्का सा गुनगुना मिल्क लिया है। इन्हें भी अच्छे से मिलाएंगे। अब मैंने यहाँ पे विस्कर की हेल्प ली है, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि बैटर हमारा लंप फ्री रहे, इसमें किसी भी तरह की गांठें ना हो, तो यहाँ मैंने विस्कर लिया है और धीरे धीरे करके हमें विस्कर की हेल्प से इस बैटर को चलाना है। इससे इसमें बिल्कुल भी लम्ब्स नहीं रहेंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं बैटर कितना स्मूथ बना है, बिल्कुल भी लम्ब्स नहीं है। चलिए बैटर तैयार हो गया है, आप इसकी कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं, बैटर पूरी तरह से परफेक्ट है। अब मैंने यहाँ पे 1/4 कप बैटर को निकाल लिया है, क्योंकि हमें बनाना है ज़ेबरा केक। तो थोड़ा सा मैंने बैटर निकाल लिया है। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून कोको पाउडर डाला है और 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पे नमक डाल दिया है और 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर मिल्क डाला है। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे और इसका एक चॉकलेटी बैटर तैयार करेंगे। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून डाला है विनेगर। किसी भी चॉकलेट केक के लिए विनेगर डालना बहुत ज़रूरी है, इसी से ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता है और स्पॉन्जी भी। ये देखिए चॉकलेट बैटर भी तैयार हो चुका है। अब यहाँ भी मैंने लिए हैं इस तरह से कागज़ के मोल्ड। तो यहाँ मैंने 4 कागज़ के मोल्ड लिए हैं। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर ऑयल हल्का सा ब्रश कर दिया है। अब थोड़ा थोड़ा करके हम यहाँ बैटर डालेंगे। पहले यहाँ पर मैंने वनीला बैटर की लेयर डाली है। थोड़ा थोड़ा करके ही आपको बैटर लेना है, एक से ज़्यादा नहीं लेना है। अब इसे डालने के बाद मैंने यहाँ पे लिया है चॉकलेट बैटर। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे चॉकलेट बैटर लिया है। इस बात का ध्यान रखिए कि वेनिला बैटर से भी आधा आपको चॉकलेट बैटर यहाँ पे डालना है और यही प्रोसेस आपको बार बार रिपीट करना है जब तक कि आपका बैटर ख़त्म ना हो जाए। थोड़ा थोड़ा करके ही हम इसमें डालेंगे। आप देख सकते हैं ये देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। और अब लेंगे एक टूथपिक और इस तरह से टूथपिक की हेल्प से बस हमें हल्का सा डिज़ाइन बना देना है। इससे हमारा केक का जो ज़ेबरा डिज़ाइन है ना, बहुत अच्छे से उभर कर आएगा। आप चाहे तो नाइफ ले सकते हैं, नाइफ की हेल्प से भी कर सकते हैं। अब यहाँ कढ़ाई में मैंने यहाँ पे ये जो केक है वो केक के मोल्ड रख दिए हैं और एक टॉवल लेंगे, उसे ढक देंगे। इसे कम से कम इसे 25 मिनट के लिए बेक करें और गैस कम ही होनी चाहिए। चलिए 25 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं केक को। यहाँ लिया है मैंने इस तरह से नाइफ इंसर्ट करके दिखाया है। ये देखिए केक बिल्कुल भी स्टिक नहीं हो रहा, इसका मतलब तैयार है। बाकी के जो 2 हमारे मोल्ड थे केक, वो मैंने माइक्रोवेव में बना के दिखाए थे। ये देखिए ये मैंने बनाए हैं माइक्रोवेव में और जो दूसरा वाला था वो मैंने कढ़ाई में बना के दिखाया है। तो इस तरह से हमारे ये चारों के चारों ज़ेबरा केक तैयार हो चुके हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।